स्वागत है आपका हमारे एरिया में। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं और हमें भारी मदद से विजय बनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे KTM 390 एडवेंचर बाइक के बारे में। यह बाइक लॉन्च होने वाली थी जून 2018 में, लेकिन इससे जुड़ी कुछ बात सामने आई है। आइए मैं आपको बताता हूँ कब ये बाइक लॉन्च होगी। सबसे पहले अगर इसके फीचर की बात करें दोस्तों, आपको इस बाइक में मिलता है 373 सीसी का इंजन लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ। पावर की बात करें, ये बाइक आपको जनरेट करेगी 43.5 PS की, टॉर्क आपको मिलेगा 37 न्यूटन मीटर का। अगर हम KTM 390 की वेट की बात करें, इस बाइक की वेट 160 किलोग्राम। इसमें आपको मिलता है 6 नंबर ऑफ गियर बॉक्स। सामने और पीछे की तरफ आपको डिस्क मिल जाएगा विथ ABS। अगर इसके लॉन्च डेट की बात करें तो कंपनी जैसा पहले कहा था जून तक जो है इसकी लॉन्च कर दी जाएगी, लेकिन इसके डेट को बढ़ा दिया गया है। ये बाइक आपको मिल सकती है 2019 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 19 जून तक आपको ये बाइक जो मार्केट में देखने को मिल जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। बात करें इससे कुछ नए फीचर की, तो आपको इसे मिलेगा इस सामने की तरफ विंड स्क्रीन, जो आपको जो स्पीड में चलने पर भी कई तरह से आपको हेल्प करेगा। साथ ही इसमें आपको मिलता है USB चार्जर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मतलब इसका डिजिटल मीटर के साथ एक आपको USB चार्जर, साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, ताकि आप जो है अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकें। बात करें अगर हम इसके कंपेटिटर की दोस्तों, जो रॉयल इनफील्ड की हिमालयन बाइक है, BMW की G31 GS बाइक है, इस बाइक को आने वाले समय में टक्कर देगी। दोस्तों लास्ट हम बात करें इस बाइक के प्राइस की, तो भारत में इसकी प्राइस रहेगी 2,30,000 रुपये, लगभग 2.3 लाख। कंपनी ने एक और ऑफिशियल न्यूज को रिवील किया है, KTM की एक और बाइक आ रही है, KTM 1050 एडवेंचर। इसकी प्राइस रहेगी 9,00,000 रुपये और इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग डेट बताई गई है दिसंबर 2018। दोस्तों आशा करता हूँ KTM 390 जुड़ी आपको न्यूज अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।